हरियाणा सरकार पशुपालकों को जोखिम से फ्री करने की दिशा में अहम कदम उठा रही है। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2019-20 के दौरान 10 लाख पशुओं का बीमा किया जाएगा, जिस पर कुल 71,79,00,000 रुपए खर्च किए जाएंगे। इस संबंध में शुक्रवार को चंडीगढ़ में मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोड़ा की अध्यक्षता में राष्ट्रीय पशुधन मिशन की राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति की बैठक की गई, जिसमें इस प्रस्ताव की सैद्धांतिक अनुमति प्रदान की गई। राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत पंडित दीनदयाल उपाध्याय सामूहिक पशुधन बीमा योजना शुरू की गई है, जिससे पशुपालकों को किसी संभावित नुकसान से जोखिम मुक्त किया जा सके। इस अवसर पर उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पशुपालकों के अधिकतम दावों के निपटान के लिए विभाग और बीमा कंपनी द्वारा एक उचित तंत्र विकसित किया जाए एवं बीमा कंपनियों द्वारा दावे निर्धारित समय अवधि में पूरे किए जाएँ। इसके अलावा उन्होंने NLM के अन्य घटकों जैसे अनुसंधान, विकास, चारा और अन्य विस्तार गतिविधियों पर भी कार्य करने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि योजना को राज्य के सभी जिलों में लागू किया जाएगा। इस योजना को हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड के द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। इस योजना के अनुसार राज्य के 10 लाख पशुओं का बीमा करने का लक्ष्य है, जिसमें लाभार्थी को प्रत्येक बड़े पशु के बीमा प्रीमियम के रूप में 100 रुपये और प्रत्येक छोटे जानवर के लिए बीमा प्रीमियम के रूप में 25 रुपये प्रति वर्ष के लिए देने होंगे। अनुसूचित जाति के लाभार्थियों के मामले में उनके सभी पशुओं का बीमा मुफ्त होगा। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।